जय करवा मैया। सभी सुहागन जिस व्रत के फल से पति को लंबी आयु प्रदान करने का प्रयास करती हैं, आज मैं उसी करवा चौथ व्रत की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ, तो आइए ध्यान से सुने। हम करवा चौथ की बहना तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, कैसे हो लंबी उम्र पति की ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, क्यों देख के चंदा हर नारी के मन मुस्काते हैं, भक्तों मन मुस्काते हैं, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। चौथ मैया सब करना पूर्ण काज, हम सब नारी की माँ रखना सिंदूर की लाज। एक सेठ की सुनो कहानी बेटे जिसके बतलाते हैं, भक्तों हम बतलाते हैं, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। ये करवा चौथ मैया सब करना पूर्ण काज, हम सब नारी की माँ रखना सिंदूर की लाज। कमा है व्रत रखा अपनी शुधा मैं तभी मिटाऊं चांद के हो दर्शन, उसके बाद ही भाइयों के संग करूंगी मैं भोजन। अपनी बहन को भूखी देख के दुखी हुए सब भाई, तभी सभी के मस्तिष्क में एक युक्ति भक्तों आई। दूर पेड़ की ओट में जाकर की जलाई, छल्ली से बहना को दिखा कहां देख चांदनी आई। इसी तरह से मिथ्या कह के व्रत खुलवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। ये करवा चौथ मैया सब करना पूर्ण काज, हम सब नारी की माँ रखना सिंदूर की लाज। भक्तों, भाइयों के कहने में आकर बहन ने व्रत खोल दिया और फिर उसने अपनी भाभियों से भी व्रत खोलने को कहा। तब उन्होंने क्या कहा, आइए आगे सुनाती हूँ इस कथा के माध्यम से। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, ये जाकर के तुम सब भूखी खड़ी हो क्यों, चलो आओ खा करके। भाभी बोली, सुनो ननदी, चांद नहीं अंबर का, दीप जला कर चांद बताया, झूठ था ये।
बताती है, भक्तों आगे बताती है, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। हे करवा चौथ मैया, सब करना पूरण काज, हम सब नारी की माँ, रखना सिंदूर की लाज। कहने ननद यही बस आई, भाभी मुझ पे कर मैं कर दो रहो न फिर मैं अभागन, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो कर दो मुझे सुहागन, हर भाभी ये कह के चलने मेरे बाद जो आए, सुनो ननद बस वही करेगी तेरा कोई उपाय, धीरे धीरे छह भाभी चल दी, अपने भाग्य को कोसती बहना रोती और बिलखती, हुआ क्या सातवी भाभी के संग आगे बताती है, भक्तों आगे बताती है, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। हे करवा चौथ मैया, सब करना पूरण काज, हम सब नारी की माँ, रखना सिंदूर की लाज। छोटे भाई के कारण उसका भाग्य गया था रूठा, बोली छोटी भाभी से वो मुझको सुहागन कर दो, मैं भी फिर से व्रत कर पाऊं ऐसा मुझको वर दो, करना चाहा टाल मटोल पर भाभी के पैर न छोड़े, अपने प्राण भी मैं त्यागूं अब जाओगी जो मुख मोड़े, पसी जा भाभी का नाम ली, मृत पति उठ जाते हैं, देखो पति उठ जाते हैं, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। हे करवा चौथ मैया, सब करना पूरण काज, हम सब नारी की माँ, रखना सिंदूर की लाज। भक्तजनों, करवा चौथ व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने से नारी को शक्ति और पति को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय करवा मैया। करवा चौथ का दिन हर नारी का होता बहुत है खास, हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर का हो वास, जब तक चंद्र चंदा पति को पाती पास, उनके हाथों से जल पी कर व्रत पूरण वो करती, पूजन भक्ति देख के मैया कष्ट सभी के हरती, अपने सुहाग की खातिर जो भी व्रत रखती है नारी, यम की जिद भी उनसे भक्त सदा सदा है हारी, नारी शक्ति से पति के दिन शुभ हो जाते हैं, भक्तों शुभ हो जाते हैं, कैसे इस व्रत को करने से
उत्तम फल पाते हैं ये कथा सुनाते।